नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश दू प्रमुख आ राष्ट्र बैंक गवर्नर सहित बैंकर सब बीच परामर्श। युवा शक्ति के अपने देश में काज के लिए सहूलियत, ऋण उपलब्ध करवा सुझाव। राष्ट्रपति भंडारी दू दिनक बांग्लादेश भ्रमण का स्वदेश घूरली। भ्रमण उपलब्धि मूलक भेल कहब। अध्यक्ष ओली संग आत्मसमर्पण नहीं करबाक नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल से स्पष्ट। नेकपा अलग करे वाला फैसला पर पुनर्विचार के लिए अदालत जाए वकील सब से नेकपा माओवादी के सुझाव। आदांग में स्कूल बस दुर्घटना, एक गोटे की मृत्यु। कैलाली में बस के ठक्कर से युवती मृत्यु भेला बाद स्थिति तनावग्रस्त। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश दूक प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहित सब बैंक के प्रमुख सब संग छलफल कलने। मंगल दिन प्रदेश दू के कार्यालय में भेल कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अहिराज प्रदेश दू अविकसित नहीं भा अव्यवस्थित रहल कहत बैंकर सब के ध्यान आकर्षण करबित जनता के बैंक से सहज पहुँच के लिए आग्रह समेत कलन। वो प्रदेश दू के गाम गाम में बैंक के शाखा कार्यालय खोल के सुझाव दिलन। अपने देश में किछ कर सक वाला युवा सब पैसा के अभाव में विदेश जा पड़ल कहत ओहन युवा शक्ति के बैंक से सहूलियत ऋण उपलब्ध करेबाक धारणा से रखलन। प्रमुख डॉक्टर अहिराज संघ के भेंट में नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी, कृषि विकास बैंक लिमिटेड के सीईओ अनिल कुमार उपाध्याय, नेपाल बैंक लिमिटेड के सीईओ कृष्ण बहादुर अधिकारी, नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सानिमा बैंक के सीईओ भुवन कुमार दहाल के उपस्थित छल। तहिना प्रदेश दू में रहल प्रत्येक बैंक के प्रादेशिक प्रमुख सब के समेत उपस्थिति छल। राष्ट्रपति विद्या भंडारी बांग्लादेशक दू दिनक राजकीय भ्रमण सम्पन्न क मंगल दिन स्वदेश फिरता एलिए। मंगल दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पहुँचल राष्ट्रपति भंडारी के उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगात स्वागत कने छल। भ्रमण के क्रम में दुनू देशक राष्ट्राध्यक्ष विभिन्न चार विषय में समझदारी कलक, जैमे पर्यटन सहयोग, सौर सफाई, सांस्कृतिक आदान प्रदान आ रोहनपुर सिंहबाद रेल मार्ग पर संबंधी समझदारी भेल। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली भ्रमण के क्रम में दू देश बीच के राजनीतिक संबंध के सुदृढ़ करत आर्थिक संबंध के आरो गहीर एवं फलदायी बनेब लो जाय बात में सहमति कल गेल जानकार दिलन। संचारकर्मी साथी भैया भेटघाट अन्य गतिविधि के बारे में यहाँ आफ्ना संचार माध्यमहरुबाट सम्प्रेषित त गरि नै रहनु भएको छ, तर समष्टिगत रूपमा भ्रमण कस्तो रह्यो र यसका मुख्य उपलब्धिहरू के रहे भन्ने बारेमा मैले संक्षिप्त प्रेस नोट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शतवार्षिकी र बङ्गलादेश स्थापनाको स्वर्ण महोत्सव मनाउने कार्यक्रममा सहभागी हुने सिलसिलामा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू 77 साल चैत 9 गतेदेखि 10 गतेसम्म बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर आज स्वदेश फर्किनु भएको छ। राजकीय भ्रमणको पहिलो दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले हिजो बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपति बङ्गलादेशका साबरस्थित राष्ट्रिय शहीद स्मारकको भ्रमण गर्नुभई बङ्गलादेशका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको समुपस्थितिमा ढाकाको तहिना ऊर्जा व्यापार के लिए द्विपक्षीय सहकार के आगा बढ़वाक, द्विपक्षीय व्यापार के प्रवर्धन कर आ व्यापार के संतुलित बनेवाक, बांग्लादेश नेपाल के सरल एवं सहज ढंग से पार वाहन सेवा उपलब्ध करेवाक, कृषि संस्कृति पर्यटन लगायत क्षेत्र के विकास के लिए दुनू देश के संभाव्यता के आपसी सहकार के माध्यम से उच्चतम उपयोग कर विषय में छलफल भेल जानकारी दिलन। नेपाल के जल विद्युत बांग्लादेश में निर्यात कर के दू देश बीच के व्यापार वृद्धि एवं संतुलन कायम कर के हवाई सेवा के विस्तार, रेल सेवा तथा सड़क मार्ग के सुधार एवं अंतर्देशीय जल मार्ग के संचालन जेहन संपर्क संजाल के विकास कर विषय में समेत छलफल भेल जानकारी दिलन। राष्ट्रपति भंडारी बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद के मैत्रीपूर्ण निमंत्रणा में सोम दिन ढाका प्रस्थान कने छली। प्रतिनिधि सभा के मंगल के बैठक के सुने समय में सांसद सब विभिन्न विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करल। सुने समय में सांसद इंदु कुमारी शर्मा महोत्तरी में फागुन 10 गते 65 वर्षक मुसाफिर झा और हनक पत्नी गीता देवी झा के अपने निवास में सुत रहल अवस्था में बेड बिछौना सहित रहस्यमय तरीका से अपहरण कर बेपत्ता करल गेल घटना के दोषी पता लगाब प्रहरी प्रशासन एखन धरि नहीं सकल कहत दोषी पता लगा दोषी पर कानूनी कार्यवाही कर मांग कलन।
सांसद अंजना विसंखे कोविड 19 वायरस नया रूप में जन्म लेला कहत स्वास्थ्य मंत्रालय कर्मचारी के व्यवस्थापन आ जनता के विषय के गंभीरतापूर्वक देवाक ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद अमन लाल मोदी कोविड 19 के महामारी बाद सरकार देश विदेश में रोजगारी गुमौने मजदूर के रोजगारी देव नहीं सकल बतौलन। वो मॉल के अभाव भेल से बतौलन। सांसद केदार सिंहदेल पड़ोसी मुल्क भारत में फिर से दोसर चरण के कोविड 19 महामारी शुरू हो कहत नेपाल के अय के प्रभावकारी रोकथाम आ उपचार के लिए यथाशीघ्र कदम चल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन दिले। सांसद इकबाल मियाँ 12 जिला से बीरगंज धर पहुँच वाला हाई टेंशन लाइन के बीच में 25-30 गाँव पड़ला से जनता सब त्रास में रहल आ हाई टेंशन लाइन के व्यवस्थापन के लिए संबंधित मंत्रालय के ध्यान आकर्षण करौलन। सरकार संसदक प्रभावकारिता नहीं चाहने सांसद सब बतौलक। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी सब संग प्रतिक्रिया दैत सांसद सब सरकार सदन के बिजनेस नहीं द संसद के प्रभावकारिता नहीं चाहने बतौलक। जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव सरकार सदन चलेबाक आ फलदायी रहल जेबाक नहीं चाहने बतौलन। बिजनेस को अभाव सरकार ने संसद बिजनेस दिने र बिजनेस दिदाखेरि अपर हाउस पनि चाहिन्छ राष्ट्रिय सभा त्यसको सेसन पनि बोलाउनु पर्यो अनि विधेयकहरू लिएर आउनु पर्यो त्यो विधेयक दिएर दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक त त्यसले गर्दाखेरि के हो भने सरकारले नै संसद चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति स्पष्ट देखि। नेकपा एमाले के सांसद रामकुमारी झाकी प्रधानमन्त्री ओली संसद के विघटन करबाक गलत दृष्टिकोण रखलासँ संसद के प्रभावकारिता ध्यान नहीं पहुँचने बतौलिन। कारी गराउने जिम्मा चाहिँ सांसदको होइन सरकारको बिजनेस दिने। हामी त हर दिन बैठकमा तोकिएको समयमा आएका छौँ छलफलमा भाग लिन चाहन्छौँ तर सरकारले जब विधेयकहरू नै ल्याउँदैन बिजनेसै दिँदैन कार्यसूचीमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर त्यसलाई निर्धारण गर्दैन भने त संसद एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन। त्यस कारण सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्रीको मोटिभ नै यो संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ उहाँलाई। त्यस कारण उहाँले चाहिँ यसका प्रति उहाँले अहिले पनि एउटा गलत दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ र यसको प्रभावकारी सञ्चालनको कुरामा ध्यान दिनु भएको छैन। त्यसो भए भएर त्यो काम हुन सकेको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेवांग विधेयक आब नहीं सकनाइ के सरकारक अवस्था के सेहो ध्यान देल जेबाक बतौलन। सरकार बिजनेस पेश केलो पर आगा बढ़ा नहीं पौने बतौलन। त्यो प्रधानमन्त्रीजीले त्यति बेला पनि भन्नुभएको त्यो के हो त भन्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए पनि हामी जुन कारणले यो अप्ठ्यारोमा पर्यो त्यो अप्ठ्यारोहरू फुकाउने काम भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेन। त्यो अप्ठ्यारो भनेको के हो त भन्दा जुन आधारमा सरकार उभिएको छ नि झन्नै लगभग दुई तिहाई बहुमत अवस्था अब त त्यो अवस्था त रहेन। सत्तापक्ष त माथिदेखि तलसम्मै दुई चिरा भयो त्यसैले त्यो दुई तिहाई बहुमत अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन कायम छ तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ स्थिति हो। त्यसैले सरकारले के गर्यो के गरेन भनेर भन्दा प्रश्न उठाउने साथीभाइहरूले यो स्थितितर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा राख्न चाहन्छु। उपनेता नेवांग संसदमा भेल समस्याको विषयमा परामर्श गर निष्कर्षमा पहुँचनाइ नीक हेबाक बतौलन। समस्याको निष्कर्षमा पहुँचाव सरकारक दिशसँ कयल जेबाक सब काज करबाक बतौलन। जनता समाजवादी पार्टीक वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो अपन पार्टी के नेता कार्यकर्ता के रिहाई के लेल गृह कार्य सकारात्मक रूप में आगा बढ़ल बतौलन। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत वरिष्ठ नेता महतो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संघ के भेंट में मुद्दा मामला के संदर्भ में गृह कार्य सकारात्मक रूप में आगा बढ़ल बतौलन। पहले मुद्दा मामला के काज आगा बढ़ला पर सत्ता समीकरण लगात विषय में बात करबाक बतौलन। नेता कार्यकर्ता के मुद्दा फिरता कर पार्टी भीतर एक मत भेल कहत नेता सब प्रधानमंत्री ओली संघ के भेंटवार्ता केलो पर निर्णय पार्टी करबाक बतौलन। सरकार को दायित्व जिम्मेवारी भित्र पर्छ के अनि बाकी हमारा सवाल उठाएका सवाल सही में हामी कुरा गर्ने नै हो नि त सही में कुरा गर्छु सरकारसँग सही में कुरा गर्छु जो सरकार में हुन्छ जहिले हुन्छ सरकारसँग कुरा गर्ने न हो।
जसपाक नेता लक्ष्मणलाल कर्ण प्रधानमंत्री ओली संघ के भेंट में अपन मांग सबक विषय में बात भेल बतौलन। मांग पूरा करबाक आश्वासन एलो पर देख जका काज नहीं भ रहल बतौलन। विषय हर चार उठा उठाई रखे जो हम मांग जो मांग लाई आश्वासन अस्थि देखी पाई रखे भने अपनी हो पॉजिटिव कुरा चली रखे तर देखने गरी काम आए के छे काम होनु पड़े वहाँ को सहयोग मांगी राख्नु भएको छ। आज अपनी हम छलफल में काम हेर्नु पड़े काम गरेर देखाउनु पड़े त्यस पछि हामी मात्र निर्णय गर्छौं भन्ने कुरा गर्यौं वहाँ देखाउँछु भन्नु भएको छ अब हेर्दै जाउँ। नेकपा एमाले संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेमवाङ जसपा आ एमाले बीच के संबंध में कोनो शर्त नहीं रहल बतौलन। रेशम चौधरी के रिहाई मधेस आंदोलन संग संबंधित विषय में बात भेलो पर सत्ता साझेदारी के विषय में बात नहीं रहल बतौलन। हमी बीच में कुनै पनि शर्तबन्दी छैन उहाँहरुले हामीसँग सुरुवातको दिनदेखि तपाईहरुलाई मैले दिएका अन्तर्वार्ताहरुमा मैले दिएका टिप्पणीहरु पल्टाएर हेर्नुस् डे 1 देखि उहाँहरूले एउटा कुरा निरन्तर भन्नुभएको छ हामी सरकारसँग कुरा गर्छौँ सरकारले हाम्रो माग सुनिदियोस् त्यो माग भनेको एक नम्बरमा रेशम चौधरी दुई नम्बरमा मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय यो लगायतका विषयहरूमा उहाँहरूले आफ्नो कुरा भनिराख्नु भएको छ। सत्ता साझेदारी गर्ने कुरा त्यहाँ उठिरहेको छैन कुनै पनि शर्तबन्दी छैन हाम्रो बिचमा राम्रो सम्बन्ध भयो भने त्यो पनि कुरा आउला तर अहिलेसम्म त्यतातिर होइन उहाँहरूका मागहरूमा केन्द्रित भएर हाम्रो बिचमा छलफल भइरहेछ। एखन धरि जसपाको माग सँग सम्बन्धित भएको मात्र बात भ रहल उपनेता ने माग बतौलन। दू पार्टी बीच निक सम्बन्ध भेला पर सत्ता समीकरण भ सकबाक सेहो बतौलन अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष ओली संग आत्मसमर्पण नहीं करबाक बतौलन। मंगल दिन नेपाल पक्षक अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन अनिता सोबियो काठमांडू में आयोजना केने राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करैत नेता नेपाल अध्यक्ष ओली पूछने स्पष्टीकरण जवाब दक आत्मसमर्पण नहीं करबाक बतौलन। वो स्पष्टीकरण से अपना सब नहीं डेरायल बतौलन। ओली पक्ष पूछने स्पष्टीकरण से भाग के मैदान नहीं छोड़बाक आ पार्टी नहीं फोड़बाक सेहो नेता नेपाल बतौलन। अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजन के पक्ष में रहलो पर अपना पार्टी नहीं फोड़ब स्पष्ट कलन। तुम्हारा के चलने कुरालाई प्रोत्साहित गर्दछौ हामीमा त्यो संगठनवादी प्रवृत्ति रहेको छ त्यसुनाले दुईटामा रहेको भिन्नतालाई तपाईले बुझ्नै पर्छ। र आज एकजनाले बडो विनम्र भावले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कमरेड केपी ओलीसँग मिल्नका लागि के गर्नु पर्यो भने उहाँले जे जे कारवाही गर्नुहुन्छ सहेर भए पनि पार्टीबाट निकालिदिनुहुन्छ भने पनि पार्टीबाट निकालिए पनि चुप लागेर सहेर बसिदिनुहोस् के त्यही बाटोमा हामी जाने हो के घुँडा टेक्ने बाटोमा हामी जाने हो हामी के आत्मसमर्पणको बाटोमा जाने हो के केपी ओलीको टाङ मुनि छिर्ने बाटोमा जाने हो त्यो कुरा हामीलाई किमार्त मन्जुर छैन। त्यसुनाले केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरण केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौँ हामी आतंकित भएका छैनौँ त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। अपने चुनौती के सामना करैत आगा बढ़बाक बतौलन। नेता नेपाल नेकपा एमाले अपन सभक भेल सेहो बतौलन। केपी ओली आ अपना सभक बीच में प्रवृत्ति आ विचार के लड़ाई भेल नेता नेपाल बतौलन। ओली में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति रहल आ अपने सब दिन संगठन के केन्द्र में राखि कऽ सोचैत आयल बतौलन। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम रावल नेपाली जनता केपी शर्मा ओली के स्पष्टीकरण पूछत बतौलन अछि। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह सम्बद्ध विद्यार्थी सभक राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करैत उपाध्यक्ष रावल अध्यक्ष ओली अपना सबके स्पष्टीकरण पूछनाई लज्जास्पद भेल बतौलन। ओ स्पष्टीकरण अपना सब नै भ क पार्टी अध्यक्ष ओली द्वारा देल जेबाक बतौलन। प्रतिनिधि सभा विघटन करयवला MCC लगायत बितंडा सब आनवला नागरिकता विधेयक के प्रतिनिधि सभा में पारित होवन नै देवला लगायत काज करयवला अध्यक्ष ओली के नेपाली जनता से स्पष्टीकरण पूछल जेबाक बतौलन। उपाध्यक्ष रावल 9 महाधिवेशन के निर्णय से बनल विधान के हटा कर संशोधन करबाक अधिकार अध्यक्ष ओली के कत से आयल कहित प्रश्न कलन। वहाँ ती कुछ राख्भ रहा अंत में इसी हमी
नेकपा एमालेको एकताको रक्षाको लागि कैयौँ हजारौँ व्यक्तिहरूको रगत पसिनाबाट बनेको यो नेकपा एमालेको झन्डालाई झुक्न नदिनुको लागि, नेपालको स्वाधीनतालाई झुक्न नदिनुको लागि, बाह्य हस्तक्षेपका ताना बाना बोकेर पिठीभरि हिँड्नुभएका केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धब्बा लगाउन नदिनुको लागि हामी फेरि यसरी एकजुट भएर यो रक्तिम झन्डा उठाएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। एखन धरि पार्टीमे कोनो योगदान नहि भेल, पार्टी सदस्य नहि भेल व्यक्ति सबके केन्द्रीय सदस्य मनोनयन करबाक, महाधिवेशनसँ निर्वाचित पदाधिकारीके पदमुक्त करबाक आ राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन करबाक अध्यक्ष ओलीके निर्णय विधान विपरीत भेल बतौलनि। कानून व्यवसायी सब नेकपा माओवादी केन्द्रके सर्वोच्च फागुन 23 गते केने फैसलाके पुनरावलोकनमे जा सुझाव देलक अछि। सर्वोच्च अदालत नेकपाके एकीकरणके बदर करैत पूर्ववत रूपमे नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्रके पहिनका रूपमे घुरौने छल। एहि फैसलाके पुनरावलोकनमे जा कानून व्यवसायी सब नेकपा माओवादी केन्द्रके सुझाव देलक। मंगल दिन नेकपा माओवादी केन्द्रके अध्यक्ष पुरुष कमल दहाल, स्थायी कमिटीके सदस्य सब आ कानून व्यवसायी बीच माओवादी केन्द्रक संसदीय दलक कार्यालयमे परामर्श भेल अछि। कानून व्यवसायी संघ के सुझाव मांगल गेल, राष्ट्रीय सभा सदस्य रामनारायण बिराडी बतौलनि। रिव्यू गर्नु उपयुक्त छ, रिव्यू नै यसको प्रमुख उपाय हो। रिव्यू पुनरावलोकनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ। रञ्जित कोइरालाको फैसला त करेक्सन गरे, लोकमान सिंह कार्कीको फैसला करेक्सन गरे भने अब प्रेरणा राज्य देवी शाहको जग्गा मुद्दाको चाहिँ बारे रिभ्यू भयो भने यत्रो पोलिटिकल कुरा, राजनैतिक दलको कुरा, राजनीतिक दल तोडफोड भएको कुरा, एकता भङ्ग भएको कुरा, नेपालको राजनीतिमा औथल पुथल भएको कुरा र जति माग दाबी थियो त्योभन्दा बढ्ता लेखेको कुरा, भन्न नपर्ने कुरा भनेको कुरा र चाहिँ नि कतैबाट चाहिँ नि निर्देशित भएको जस्तो प्रकारको आभास आउने खालको कुरा भएको हुनाले यसलाई रिभ्यू गर्ने कुरामा हामी सब एकमतले पार्टीलाई सुझाव दियौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रके स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ अदालतके फैसलाके पुनरावलोकनमे जा कानून व्यवसायी सब सुझाव देलक अछि बतौलनि। तहिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन करऽ चाहि रहलासँ एहिके केना रोकऽ सकबाक विषयमे सेहो कानून व्यवसायी सबसँग परामर्श भेल, नेता गुरुङ बतौलनि। यसलाई नै बेस बनाएर चाहिँ त्यसलाई नै अङ्गीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। तर प्रधानमन्त्रीज्यू पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यसो भने त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमै चाहिँ छ। कसरी सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ? अब संविधानको फलो गर्न त तयारी हुनु भएन, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि उहाँ फलो गर्न तयारी हुनु भएन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ संसदको रक्षा गर्ने, संविधानको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ उठेको चाहिँ छ। यस्तो अवस्थामा के गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि चाहिँ अब कानुन व्यवसाय साथीहरूसँगको चाहिँ परामर्शकै कुरा, कानुनी विषयहरूकै परामर्शकै कुरा चाहिँ। कानुन व्यवसाय सब सर्वोच्च अदालतक फैसलाके कारण सेहो प्रधानमन्त्री ओलीके संसद भङ्ग करके जगह नहि भेल कहैत संसद आ संविधानके रक्षा लेल राजनीतिक दल सब राजनीतिक रूपमे पहलकदमी लेल जेबाक सुझाव देने नेता गुरुङ बतौलनि। दाङमे स्कूल बस दुर्घटना भेलासँ एक गोटेके जान गेल अछि। मंगल दिन रा 1-4-33 नम्बरके स्कूल बस तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 15 सरैया डाँडा चौकमे दुर्घटना भेलासँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 निवासी 19 वर्षक समझना केसीके जान गेल अछि। दुर्घटनामे पड़िकऽ 22 विद्यार्थी घायल भेल अछि, घायलमेसँ 5 गोटेके आओर इलाजक लेल कोहलपुर स्थित शिक्षण अस्पताल पहुँचाओल गेल अछि आ अन्य घायलके राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमे इलाज भऽ रहल अछि। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड 15 कठेरीसँ कक्षा 11 आ 12 विद्यार्थी लऽ तुलसीपुर दिस जा रहल बस अचानक ब्रेक फेल भेलासँ दुर्घटना भेल जनाओल गेल अछि। बसके ठक्करसँ युवतीके मृत्यु भेला बाद तनावग्रस्त बनल कैलालीके लम्कीमे प्रहरी गोली प्रहार केलासँ 2 गोटे घायल भेल अछि। प्रहरी ऊपर मारपीट करऽ चाहला बाद किछु राउंड गोली प्रहार केने जिला प्रहरी कार्यालय कैलालीके प्रहरी निरीक्षक हिकमत थापा जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार गोली प्रहारसँ घायल भेलके इलाजक लेल कोहलपुर पठाओल गेल अछि। मंगल दिन पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लम्की चौक स्थित टीकापुर दिस जा रहल N6P8833 नम्बरके बसके ठक्करसँ पैदल यात्री लम्की चूहा नगरपालिका 1 22 वर्षक कमला देवकोटाके जान गेल अछि।
ओहि विषय के लक आंदोलित भेल स्थानीयवासी राजमार्ग अवरुद्ध केनाय के संगे टायर जराक प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शनकारी सब इलाका प्रहरी कार्यालय लमकी घेराव सेहो केने छल। ठक्कर देने बस आ चालक बोर्दे गोरैया गांवपालिका एक के 31 वर्षक पुष्प कड़ेल के प्रहरी नियंत्रण में अनुसंधान कर रहल बतौलक। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 188 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। अही संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 276,244 पहुँचल। पिछला 24 घंटा में 77 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। अही संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 272,097 पहुँचल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से केकरो जान नहीं गेल। नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 3,019 रहल। पिछला 24 घंटा में देश भर 4,032 PCR परीक्षण कैल गेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित भेटल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में 4 गोटे में संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,227 पहुँचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में 16,984 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन धरि 146,788 गोटे के स्वाब संकलन कैल गेल, जैमे से 28 स्वाब के नतीजा आब बाकी है। प्रदेश 2 के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज युवा सब द्वारा आयोजित सर सफाई कार्यक्रम में सहभागी भेल। मंगल के भोरे युवा विकास समाज पिराड़ी चौक में सर सफाई केने छल। सर सफाई कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अहिराज सेहो सहभागी भ अपने सर सफाई केने छल। युवा सबके काज सराहनीय रहल प्रोत्साहन के लेल प्रदेश प्रमुख सेहो सहभागी भेल। प्रदेश प्रमुख कार्यालय के सचिव ध्रुव गैड़ा जानकारी देलनि। युवा विकास समाज 5 दिवसीय होली विशेष कार्यक्रम अंतर्गत 73 परिक्रमा सड़क खंड सर सफाई शुरू कलक। मिथिला परिक्रमा श्रद्धालु के स्वागत आ सहजीकरण के लेल विभिन्न कार्यक्रम करके से हो समाजक अध्यक्ष रवि कुमार शाह जानकारी देलन। मंगल दिन भेल सर सफाई में प्रदेश प्रमुख अहिराज के साथे धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेता, समाजसेवी, युवा सबक सहभागिता छल। लोक सेवा आयोग कर्मचारी सबक बढ़ुआ में आंतरिक प्रतियोगिता आ खुला प्रतियोगिता में विभेद रहल धारणा सार्वजनिक कलक। आयोग के अध्यक्ष उमेश मैनाली सेवा में रहल व्यक्ति के खुला प्रतिस्पर्धा में आव वाला योग्य व्यक्ति से बेसी सुविधा मिलित आयल बतौलन। मंगल दिन आयोग में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष मैनाली निजामती सेवा एन में भेल व्यवस्था सेवा में निरंतर रहल व्यक्ति के उमेर के हद छूट देने मुदा वही पद में खुला से प्रतिस्पर्धा करय वाला के 35 वर्षक उमेर हद रहल बतौलन। संघीय संसद में विचाराधीन रहल विधेयक में विभेद हटाव आयोग सुझाव दिलक। र यहाँ सेवा भित्र भएको कर्मचारी यो दुवैलाई बराबर हुनुपर्ने होइन र ऊ चाहिँ त्यहाँ भित्र भएको कारणले बडुवाका तीनवटा च्यानल पनि उसले उसलाई उसको लागि सधैँ ओपन छ। अनि तपाईँको खुला प्रतियोगितामा पनि युवा जुन बाहिर बेरोजगार छ ऊभन्दा फरक हैसियतमा लड्न दिनु उपयुक्त होला त। यो बहस यहाँहरूलाई छोड्छु म, मलाई लाग्छ मिल्दैन, त्यो नगर्नुपर्ने। आन्तरिक प्रतियोगितामा उसलाई उमेरको हद लाग्दैन, उसले अवकाश हुने उमेरसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। उसलाई ज्येष्ठता कार्यक्षमताका बढुवामा उसलाई उमेरको हद लाग्दैन, उसले बढुवा पाउँछ। तर एउटा व्यक्ति 57 लोक सेवा आयोग बुध दिनसँग पदाधिकारी विहीन होबय लागल अछि। 2071 चैत 11 गते नियुक्ति सभक पदाधिकारी के चैत 11 सँ पदावधि समाप्त भ रहल अछि। मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष मैनाली आयोग पदाधिकारी विहीन भेला से गंभीर असर देखबाक बतौलनि अछि। तत्काल बढ़ुआ के सब प्रक्रिया रुकबाक, परीक्षा सब रुकबाक, नतीजा प्रकाशन करबाक काज रुकबाक बतौलनि अछि। तहिना सरकारी उच्च पद के बढ़ुआ सब अंतर्वार्ता सब सेहो रुकबाक अवस्था सृजना हेत बतौलनि। हामी आज देखि बिदा हुँदैछौँ, भोलिदेखि नै लोकसेवाको प्रतिनिधित्व हुने बढुवाहरू सबै रोकिन्छ, लोकसेवाले लिने परीक्षाहरू रोकिन्छ, अब लोकसेवाले गर्ने नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिन्छ, लोकसेवाले लिने अन्तर्वार्ताहरू रोकिन्छ, सचिव बढुवा रोकिन्छ, बढुवा पनि सचिवसम्म, किनभने लोकसेवाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति हुन्छ, त्यो नभएपछि त्यो बैठक बस्दैन। त्यसैले यति धेरै असर पर्छ कि यो ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। र तदै तदनुरूप सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष हामीले यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै मैले बोलेकै थिएँ त्यहाँ, कि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू यो यस्तो अप्ठ्यारो छ, हामी जाँदैछौँ,
यो कसलाई इन्करेज गर्ने हो गरिदिनु पऱ्यो र यो चाँडै नियुक्ति हुनु पऱ्यो यो थपै हुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन सबै ठाउँमा मानव के अरे जनशक्तिको अभाव हुन्छ निजामती प्रशासनका सम्पूर्ण काज रुक सक्ला सरकार समयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्वाक विश्वास सेहो अध्यक्ष मिनाली व्यक्त कयलनि कोविड 19 के कारण बीतल वर्ष चीन से घुरल MBBS अध्ययनरत विद्यार्थी सब नेपाल में इंटर्नशिप कर मिलल जेबाक मांग करैत नेपाल मेडिकल काउंसिल में धरना देलक अछि चीन के विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 152 गोटे विद्यार्थी सब अपन इंटर्नशिप पूरा नहीं भेल आ तत्काल चीन घुर मिलबाक कोनो संभावना नहीं देखला बाद इंटर्नशिप सुनिश्चितता के मांग करैत काउंसिल आगा धरना देलक अछि विद्यार्थी सब 6 महीना आगा चिकित्सा शिक्षा आयोग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में पत्र पहुंचा चुकल मुदा कोनो संबोधन नहीं भेला से अपना सब समस्या पड़ल बतौलक सन 2014 के बैच में MBBS अध्ययनरत विद्यार्थी सबक बीतल वर्ष इंटर्नशिप रहल आ 3 महीना से 10 महीना धरि इंटर्नशिप कर बाकी रहल विद्यार्थी सब बतौलक इन्टर्नसिप पनि नहुने अनि नेपाल सरकारको हाम्रो NMC-बाट चाहिँ यो अनलाइन इन्टर्नसिप पनि मान्यता नदिने तर अरू क्लासेसहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएको भएर हामी अब 14-15 महिनादेखि एकदम स्पोर भएर बसिरहेछौँ होइन अब त्यसको लागि हामीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हाम्रो एउटा कुनै ठाउँमा देखाइदिनु पऱ्यो होइन अब हाम्रो सबै साथीहरू NMC पनि पास भइसक्नु भएको छ हामीले विगत 6 महिनादेखि हाम्रो विभिन्न संस्थाहरू जस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग होइन अब यमोई शिक्षा मन्त्रालय अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले पत्राचार अलरेडी गरिसकेका छौँ हामीले दर्ता गरेर होइन सबै हाम्रो के छ त हाम्रो प्रब्लम भनेर सबैलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी दिँदा दिँदै पनि तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चाहिँ हाम्रो इन्टर्नसिप नेपालमा दिन मिल्दैन भन्ने हिसाबको कुरा भएर हामी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको यो आँगनमा चाहिँ आज जम्मा भएका छौँ र हाम्रो यस्तो छ हामी नियम विपरीत चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिल के सदस्य डॉक्टर शिवजी पौडेल आंदोलनरत विद्यार्थी सब संग बातचीत करैत सन 2014 के बैच के विद्यार्थी सब जका सन 2015 के विद्यार्थी सब के सेहो समस्या हेबाक देखल गेला सा तत्काल पैकेज में समस्या समाधान कर कठिन रहल बतौलनि मुदा कानून अनुसार सहजीकरण कर लेल परामर्श भ रहल बतौलनि चिकित्सा शिक्षा आयोग से निर्णय भ क अयला पर कार्यान्वयन कर काउन्सिल सकारात्मक रहल सेहो डॉक्टर पौडेल बतौलनि 14 को मात्र हैन यो 15 को नि हुन्छ कोभिड बढ्दै गयो भने समस्या हुन्छ तर समस्या भएर सबै प्याकेजमा एकैचोटि समाधान गर्न सकिन भने जानेर अप्ठ्यारो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो बाटो कुटाउ अभियान गर्नै पर्छ भोलि बिहान 2 वर्ष बन्द होला होइन तर के गर्ने त 2 वर्षमा विद्यार्थीलाई यहाँ त्यत्तिकै राख्ने होइन मिलेन मिलेन नि त है त्यस कारण त्यसलाई कसरी गर्ने कानुन तह चाहिँ तिमीहरूले हेरिसकेका छौ एग्रिडेसनमा 2007 जहाँ हो त्यहीँ गर्ने भन्ने लेखिएको थियो बिचमा बाटो फुकाउ अभियान हुन्छ तिमीहरूले 3 नम्बर कुरा भनेर जुन कोट गराएको छौ नि त्यो भनेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहजीकरण गर्ने प्रावधान पनि रहन्छ है अब त्यसको लागि हामीले अहिले त हामीले भनिहाल्यौँ तिमीहरूलाई प्रोसेस आयोगले हेर्छ प्रोडक्ट हामीले हेर्ने ठिक छ उनीहरूले गरेको निर्णयमा हामीले ठिक छ यसरी आएको चिठीलाई को मध्यनजर गर्दा अहिलेको विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीको चाहिँ भविष्य नै अन्यल भएको हुँदाखेरि यसमा के कसो गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले त्यसलाई कतैको विद्यार्थी सब काउन्सिल लेबाक परीक्षा सेहो पास कर चुकल अछि मुदा इन्टर्नसिप पूरा कर नै मिलला पर लाइसेन्स पाव नै सकल विद्यार्थी सब बतौलक अछि बाध्यात्मक परिस्थितिमे नेपालक विश्वविद्यालय अन्तर्गतके मेडिकल सबमे इन्टर्नसिप पूरा कर मिलबाक इन्टर्नसिप गाइडलाइनमे व्यवस्था भेल अनुसार अपन सबक समस्या समाधान कयल जेबाक माग कयलक अछि पर्यटन क्षेत्रक पुनर्जीवन आ श्रमिक के जीवन रक्षा मांग करैत पर्यटन क्षेत्र संग संबंधित एक प्रतिनिधि मंडल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त ढकाल समक्ष 17 बुधे मांग पत्र बुझौलक अछि नेपाल ट्रेकिंग ट्रैवल्स राफ्टिंग एयरलाइंस संस्कृति पुरातात्विक कार्गो कुरियर श्रमिक यूनियन एक प्रतिनिधि मंडल मंगल दिन मंत्री ढकाल के भेट कर मांग पत्र बुझौलक अछि कोरोना महामारी बाद अस्त व्यस्त बनल पर्यटन क्षेत्र के उत्थान कयल जेबाक सामाजिक सुरक्षा कोष में श्रमिक के सूचीकृत कयल जेबाक पर्यटक श्रमिक के मजदूरी तथा पारिश्रमिक 40% से बढ़ाओल जेबाक नेचर गाइड के समस्या समाधान कयल जेबाक लगायत मांग सब मांग पत्र में बुझाओल गेल अछि आब खेल समाचार सप्तरी के राजविराज में जारी मेयर कप सप्तरी प्रीमियर लीग अंतर्गत तेसर दिन के खेल में रूपनी राइडर्स आ बजाज खड़ग वॉरियर्स विजयी भेल अछि राजरंगशाला में संपन्न दिन के पहल खेल में रूपनी राइडर्स दीपेंद्र एरी कप्तानी के तिलाटी कोइलाडी जायंट्स के 15 रन से पराजित कलक रूपनी देने 154 रन के लक्ष्य पहुँचा कर क्रम में तिलाटी कोइलाडी 19.3 ओवर में संपूर्ण विकेट गुमा 138 रन में ऑल आउट भेल छल दोसर
खेलमें बजाज खड्ग वॉरियर्स सिद्धांत लोहनी कप्तानी केने बोधे वर्षाइन थंडर्स के 41 रन से पराजित कलक खड्ग देने 187 रन के लक्ष्य पहुँचा कर क्रम में बोधे वर्षाइन 20 ओवर में संपूर्ण विकेट गुवा 145 रन मात्र बनाव सकल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से प्रदेश दू प्रमुख राष्ट्र बैंक के गवर्नर सहित बैंकर सब बीच परामर्श युवा शक्ति के अपने देश में काज के लिए सहूलियत ऋण उपलब्ध कराव सुझाव राष्ट्रपति भंडारी दू दिनक बांग्लादेश भ्रमण का स्वदेश घुरली भ्रमण उपलब्धिमूलक भेल कहल अध्यक्ष ओली संग आत्मसमर्पण नहीं करवाक नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल से स्पष्ट नेकपा अलग करे वाला फैसला पर पुनर्विचार के लिए अदालत जाए वकील सब से नेकपा माओवादी के सुझाव डांग में स्कूल बस दुर्घटना एक गोटे की मृत्यु कैलाली में बस के ठक्कर से युवती की मृत्यु होने बाद स्थिति तनावग्रस्त बेस्ता अपन समाचार एखन लैत वै पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन नमस्कार।